अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं, व्लॉग का आगाज करते हैं इस पैकिंग के साथ जिसने बहुत परेशान किया। मुश्किल गुजार पैकिंग थी, बहुत लंबी जर्नी है, इंशाल्लाह अजीज बताऊंगा। आज मैं ये अपने इधर आउटलेट से दुबई से पाकिस्तान के लिए जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और व्लॉग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अजीज। यहां से स्टार्ट होगा व्लॉग पूरा दुबई का एयरपोर्ट और हमारे लाउंज चीज़ इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है वो कराची एयरपोर्ट पे पहुंच के और कराची के बाद सीधा अपने घर पे। तो देखें इंशाल्लाह हमारा व्लॉग, हम उम्मीद करते हैं कि अपने आप से ही उम्मीद करते हैं कि हम अच्छा व्लॉग बनाएं जो आप लोगों को पसंद आए, देखने में मज़ा आए और कुछ नया हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ देखने को मिले, इंशाल्लाह कोशिश यही है। चलें चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब चलते हैं हम गाड़ी की तरफ, गाड़ी हमारे आने वाली है। ये हमारा जो है वो सारा सामान रेडी है, अपने शॉप को लगाया है ताला अभी थोड़ी देर के लिए, बट इंशाल्लाह शामिर भाई यहाँ पे आ गए हैं, पोजीशन संभालेंगे और हम पाकिस्तान पे जाके अपने सेटअप संभालेंगे। जा रहे हैं, नहीं शर्म की बात ही नहीं है यार, अभी कल अस्तगफरुल्लाह करो भाई, ये कल हो के आए पाकिस्तान से और अभी जो है वो शर्म की बातें हो रही हैं। चले एयरपोर्ट जाने से पहले हमने बोला बिलाल भाई को अपने आउटलेट के दीदार कराते हैं जी। आप तो फर्स्ट टाइम ही आए ना, वो तो जब लेने से पहले आए थे हम। तो जी ये है गाड़ी हमारी, आ गई है, बिलाल भाई आए हैं। वेट तो माशाल्लाह इतना आउट हुआ है इस बार। नहीं नहीं, वो उठा लूं। सब चीज़ आ गए। चले जी अब हम बैठते हैं गाड़ी में, अब अगर कुछ भूल भी गए तो अल्लाह ही मालिक है इंशाल्लाह। जी हम निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट के लिए बिलाल भाई के हमरा। टाइम अभी हो रहा है 2:27, तो इंशाल्लाह 6 बजे की फ्लाइट है। एयरपोर्ट हमारा आ गया है और दुबई को चंद घंटे या चंद थोड़ी देर में इंशाल्लाह अलविदा कहेंगे, और अब हम जो भी हमारा व्लॉग अब चलेगा आगे वो है दुबई के एयरपोर्ट के अंदर के सारे मनाज़र। ये हम आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट पे। तो जी अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर और ये दुबई एयरपोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं सारे। चलें व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा व्लॉग आगे और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाता है, एक्सप्लोर करते हैं हम। तो जी ये है हमारा माशाल्लाह दुबई एयरपोर्ट, बेहतरीन। तो जी अब हम करवाएंगे अपनी बोर्डिंग। तो जी हमने ये एक मरहला पार कर लिया, हमारा वेट 30 किलो अलाउ था और हम लेके चले गए 38 kg बैग के अंदर। यार मैंने सोचा था कि ये जो है ना बहुत बड़ा जुर्माना या फिर हमें वेट एक्सटेंशन के पैसे देने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसे हैं वेट एक्सटेंशन के, बट ये अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया भाई। यार एक ये हैंड कैरी देख रहे हैं आप, ये 7 kg से ये हुई हुई है तकरीबन 11 kg। अल्लाह पाक आसानी फरमाए और ये मरहला भी निकल जाए बस, आमीन जी। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चेकिंग का मरहला भी निकल गया, अब हम जाएंगे मज़े से मरहला लॉन्च और वो आपको एक्सप्लोर करते हैं। एंड बस अभी छोटा सा टिपिकल मसला रह गया हमारा इस हैंड कैरी का, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा। ये चेकिंग का ये जो डिपार्ट होता है सब क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह,
तो अब हम बढ़ते हैं मरहबा लॉन्च की तरफ। ये वाइड एंगल में मूवी का स्टाइल व्लॉग का हमारा। तो जी ये अब हम आ गए हैं इसके टॉप फ्लोर पे और वहाँ जहाज़ हैं और अब हम जा रहे हैं अपने मरहबा लॉन्च की तरफ। स्टारबक्स जो है उसके आसपास ही है कहीं, ये आई थिंक। चलते हैं, ये सफ़र हमारा चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। स्टारबक्स और हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल के, वो है मरहबा लॉन्च। ये दिख गया जी हमें मरहबा लॉन्च। फाइनली हम आ गए हैं मरहबा लॉन्च में। ये इसकी एंट्रेंस है, अब हम जाके इनको अपना कार्ड स्कैन कराएंगे जो हमारी मिज़ान के ऐप पे फ्री है। तो जी ये हमारी स्टैम्प लग गई है और हम आ रहे हैं मरहबा लॉन्च। ये पहले हमने एक्सप्लोर किया था लेकिन बहुत जल्दी में किया था, बट अब कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ मैं। किया हुआ है हमने सिर्फ सुबह का नाश्ता। इनके मेन्यू में क्या है वो देखते हैं हम। जी मेन्यू खाली है। ओके इसमें है, ये नहीं खाता भाई मैं। आज हम इतनी फुर्सत से हैं कि हर चीज़ को चेक करेंगे पहले। नहीं पता नहीं, मैं नहीं खाता ये। बिरयानी है खाता हूँ लेकिन चिकन की नहीं। अच्छा तो जी ये है मज़े मज़े के सैलेड और ये सब चीज़ें मज़े की हैं, ये खाते हैं, ट्राई करते हैं इनको। तो जी ये है जूस, ये मैं पीता हूँ पीऊँगा। ये बहुत सारे जूस हैं, पेस्ट्रियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, देन ये बार है। मैं नहीं पीता, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के। ये चीज़ें हैं, इधर का मेन्यू देखते हैं भाई। यार सॉरी स्टूस से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट एक्सप्लोर तो इसी तरह से किया जाता है ना चीज़ों को, तो वो मैं करूँगा भाई प्रॉपर। खुशबू अच्छी आ रही हैं। सब्ज़ी ये भी नहीं खाता यार, सादे चावल, इसके बारे में कुछ सोचेंगे यार। जिनके मेन्यू को क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसी कैसी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। तो इधर भी ये क्या चीज़ है भाई, अच्छा पता नहीं क्या, चेक करते हैं। पेस्ट्रीज़ हैं और ये ना अच्छे लग रहे हैं, इनको गर्म करवाता हूँ मैं भी और आगे आ जाएँ जी। अच्छा तो ये चीज़ें हैं जी, यहाँ ये कैंस हैं। चलें आज आगे चलते हैं, देखते हैं ये इधर है क्या क्या। ये अंकल यहाँ बैठे हुए लेटे हुए, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बैठ जाऊँ। बैठता हूँ यार लेकिन थोड़ा सा घूमूँ तो सही, अपने हमारा जो व्लॉग इतने लोग प्यार से देख रहे हैं उनको पूरा व्लॉग तो दिखाएँ हम। यार अपना बैंक का कार्ड बनवाओ, ATM बनवाओ, अच्छा बनवाओ, प्रीमियम करवाओ उसको और आ जाओ, फ्री में आ जाओ। दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों के मज़े ले सकते हो आप लोगों को ये चीज़ अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं आया था, नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, ये मैंने पूरा 360 इसको घूम लिया है। दोबारा से चलते हैं हम यहाँ से, वो जो अच्छी जगह मिलेगी वहाँ बैठेंगे। नहीं ये मज़ेदार नहीं है यार, मैं अकेला हूँ। ये कोई किसी ने सामान रख दिया, बुक्ड है, सब बुक है। और बड़ा अफसोस की बात है अंकल, आपसे ये उम्मीदें नहीं थी मुझे अंकल। मैं फिर घूमूंगा, मैं सामने जाऊंगा, यहाँ देखूंगा यहाँ क्या है। देन मैं ये भी बुक है यार, नहीं नहीं ये गलत जगह है भाई। ओके यहाँ बैठ जाता हूँ, इधर किसी का कब्ज़ा नहीं है। यार अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर व्लॉग को रोकता हूँ, कुछ ज़रा सांस लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ यार, और फिर दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। देखते रहें आप लोग, तो ये तो जब एडिट होके आता है तो फिर कंटिन्यूसली चलते रहता है, लेकिन अजान की आवाज़ और एहतराम बहुत ज़रूरी है जी। अजान हो गई है और मैंने ये मटन बिरयानी भी ले ली है, चिकन भी ले ली है, रोल भी ले लिया है, थोड़ा सा सैलड भी डाल लिया है, एक बनाना और एक केक ले लिया है, और एक ये पता नहीं कौन सी ज़ुबान का बर्गर है, ये भी कौन सी ज़ुबान का, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी
और पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। देन अभी बहुत कुछ बाकी है, अब ट्राई सब करेंगे, पेट नहीं भरेंगे, पेट तो हमको घर पे जाके ही भरना है। बट आज सुकून से रिलैक्स होके कंफर्टेबल होके जो है ना वो यहाँ पे हम सब कुछ कर रहे हैं। टाइम हुआ है अभी 3:47, बट अभी हम इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, यार बहुत भूख लगी है। ओके यार देखो, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अभी तो सिर्फ मैं बिरयानी खा रहा हूँ, इसलिए मुझे पसंद ही बिरयानी है और मैं दोनों ही खा रहा हूँ, चिकन भी है और बीफ भी है। बट यार बहुत टेस्टी है और फ्री में तो बहुत ही अच्छी है और पैसे भी बहुत अच्छी है भाई। हाँ, लोग कुछ डॉलर भी खर्चा करते हैं। ये रोल भी खाना है। अच्छा, चिकन बिरयानी इनकी ज़्यादा अच्छी है, मैं चिकन खाता नहीं हूँ, बट ये है कि चिकन बहुत अच्छी है बिरयानी और टेस्टी लग रही है। इतना अच्छा खाना हो तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। ये मैंने ज़ीरो लिए शुगर, और ताकि ये है कि मैं जहाज़ में तो यार बहुत कम खाता हूँ, बस ये है कि व्लॉग में दिखाने के लिए थोड़ा सा खा लेता हूँ, और बाज़ मतलब एमरेट्स के खाने अच्छे भी हो जाते हैं, बट अभी ये वाले खाने की तो बहुत ही है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा एडिशनल किया है, मैक्रोनी भी डाली है, चिकन भी मिलाई है और बीफ भी मिलाई है। अभी इनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना बाकी हूँ, या थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर आदमी हूँ मैं, तो थोड़ा सा ज़रा प्रोडक्ट को हम ज़रा देखते हैं ना, हर एंगल से देखना पड़ता है। बट यार बहुत बहुत टेस्टी बिरयानी है भाई, बहुत आला रोल है, बहुत ही आला। बट मेरी अब इन चीज़ों से बस है, ये मैंने कर दिया भाई साइड लाइन। अब आ जाओ जी तुम लोग मैदान में। ये यार देखें बड़ा बेहतरीन है। बहुत स्पाइसी और बहुत बेहतरीन यार, बहुत। तो जी ये भाई को भी मैंने वहाँ पहुँचा दिया है अभी। नेक्स्ट, ओके ये है नेक्स्ट। यार इसके अंदर सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से मक्खन, कीमा और आलू। चले जी अभी बारी आई इसकी, कहाँ से यहाँ से लेता हूँ। बहुत आला। नेक्स्ट, जब सच बताऊँ ट्राई करने करने में ना पेट भर गया, बट आज मैं हूँ बहुत सुकून में यार। एक आखिरी मरला रह गया है, आप लोगों को अल्लाह पाक से दुआ करनी है, बाकी तो अभी तो मैं ही करूँगा, आप लोग तो जब ये व्लॉग अपलोड होगा तब देखोगे, बस मेरी एंकर ही निकल जाए यार। यार माशाल्लाह इनके सारे के सारे खाने बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं। जब भी यहाँ पे आएँ, फ्री में आएँ या पैसा खर्चा करके आएँ, बट टेस्ट करें, बहुत आला है यार। लास्ट बाइट में ये ले रहा हूँ सैलेड का, इसमें बादामें वगैरह डली हुई हैं, बहुत आला सैलेड बोला, बस मुझे खाते रहो। पता नहीं आइसक्रीम जैसी शक्ल का क्या है। ओए नहीं करो, नहीं करो, जुल्म है ये, जुल्म है, जुल्म है, नहीं नहीं। ऑसम आइसक्रीम है ये, रुको भाई रुको। क्या खाऊं यार, मैं तकरीबन 14वीं 15वीं चीज़ खा रहा हूँ, आप लोग व्लॉग में गिनती तो गिनो।
और कमेंट्स में बताओ कि मैंने कितनी चीज़ें खाई हैं। जब नो डाउट बहुत आला केक है, बहुत आला, ये तो जी ये देखें, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, लेकिन ही खाया जा रहा है यार, नहीं खाया जा रहा, बहुत खाया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया और थोड़ा सा बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। इधर कोई गरीब भी नहीं है जिसको मैं दे दूँ, बट ये है कि यार बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। मरहबा लहन दुबई से जब आप आओ तो यार बिल्कुल इसको आप अपने एटीएम कार्ड जो है ना वो आप अगर पाकिस्तान से हैं तो प्रीमियम कार्ड आप जो है वो बनवा लें, 15,000 रुपये का बन जाता है पूरे साल भर के लिए। और आप अगर आपका ट्रैवलिंग है तो ये सब चीज़ें करें, बट अगर आप बिज़नेस पे हैं और ये चीज़ को आप अवेल नहीं कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आपका बाहर आना जाना है तो यार लॉन्च को दबा के इंजॉय करें, और बट बहुत क्लासिकल जगह है यार ये, बहुत मेंटेन, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और बस मेरा ही खाना यहाँ पे ज़्यादातर टेबल पे बचा हुआ है, बाकी अदरवाइज़ तो सब लोगों ने, लोग भी खाने हैं पता है क्या करते हैं, इधर से उधर से टेबलें बदल लेते हैं, मैं भी यही करने वाला हूँ। जब लोग ये काम करें हैं तो हम क्यों ना करें भाई, हम करेंगे बिल्कुल करेंगे। ये क्या बोला है भाई, ये कौन सी नस्ल का सूप है भाई, मैं नहीं पीता ये यार, खजूर खाता हूँ मैं, बहुत अच्छी। अरे यार ये कर दी ना हमने वो वाली हरकत, कौन सी वाली, नहीं 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 करी, बच गए, बच गए भाई, बच गए, ये लो बच गए। ये देखिए नाज़रीन, ये सबूत है, ये आदमी यहाँ से उठ के अभी वहाँ पे आया था मेरे पास, तो यहाँ यही चल रहा है, इधर से उठो उधर भागो उधर से भोगो। सर यार ये जो आइसक्रीम है ना बहुत आउट क्लास है यार, बहुत आउट क्लास है, मैं आगे चलता हूँ और ट्राई करता हूँ। ये तो उठा ली मैंने, ये थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। अरे वाह कदरदान मेहरबान, अबे फिर बैग छोड़ के गया भाई यार, ये आदमी क्या चीज़ है, नहीं बैठूँगा। हाँ यहाँ, अरे यार यहाँ भी वही मसला यार, ये लोग अच्छे नहीं हैं। फिर मैं, चलो यार फाइनली मैं यहीं पे ही थोड़ा सा टाइम गुजार लेता हूँ, मुझे क्या करना है, ब्लॉग ही बनाना है, किसी से रेस थोड़ी लगानी है, मैगज़ीन पढ़ लेता हूँ, ये सब मैं ये बहुत सारे मैगज़ीन में पढ़ते रहता हूँ, पता नहीं कहाँ पढ़ता हूँ, लेकिन बस ये बस पढ़ लिया मैंने, हम थोड़ा सा करेंगे हम ज़रा सा आराम, और आराम के बाद ये आइसक्रीम खा के और थोड़ी सी एनर्जी लाएंगे और देन फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी टाइम क्या हुआ है, 4:07, 6:10 की है मेरी फ़्लाइट, तो मैं यहाँ से निकलूँगा गालिबा 5 बजे निकलता हूँ, और B9 पे मेरा जो है प्लेटफॉर्म है, और अभी मैं उसको भी सर्च करता हूँ तो देखता हूँ मेरा B9 है किधर, एक्चुअली मुझे टाइम कितना लगना है। तो जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नवाबों की तरीके से ज़रा सा कमर को मैंने किया सीधा, इसलिए कि रात को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे भी नहीं सोया हूँ यार। फजर की नमाज़ में उठा, दैन एक मीटिंग थी वो अटेंड करी, और मीटिंग थी भी मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। और तो जी उसके बाद जो है यार ये बार बार कॉल्स वगैरह बहुत आती हैं, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो फिर जो है वो मैं कहाँ था, बार के एफ मैं सोया बिल्कुल भी नहीं, और बिज़नेस मीटिंग भी ज़रूरी थी, उसके बाद अपने आउटलेट के ऊपर आ गए और यहाँ से जो है वो दैन हम जो है अपनी तैयारी वगैरह करी, और यहीं से फिर मेरे कज़न वो आप सब देखते हुए आ रहे हो, तो बस रात को वो 2 घंटे सोया हूँ और बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी थोड़ा सा आराम का सुकून मिला है, और अब व्लॉग को जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू वगैरह रखेंगे, और लोगों को एक इंशाल्लाह कोशिश यही थी अब तक जो आप व्लॉग देख के आ रहे होंगे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, और देन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मालूमात मतलब आप लोगों तक पहुंच सके ना वो डिलीवर हो मेरी तरफ़ से। व्लॉग देखने में फ़ायदा यही होता है कि कोई चीज़ समझ आती है बंदे को तो उसको
आगे कभी अगर कहीं आना होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। सारा आइसक्रीम तो मैंने फोड़ ली, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ खाने को दिल चाह रहा है भाई। माइंड नहीं करिएगा, हम थोड़ी सी ज़रा कभी चटपटी कोई बात हो जाती है बीच में, यार वो व्लॉग है चलता है, थोड़े से शशके तो डालने पड़ते हैं ना। अभी ये डक्की भाई लोग और ये तो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, लेकिन यार हमारे ये थोड़ा सा लिटरली फैमिली व्लॉग होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार अपने अजीज़ो अकारीब अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो वो एक पुरसकून माहौल, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट जो है ना वो देख सकें, ना कि कोई मतलब गलत गुफ्तगू या कोई गलत चीज़। तो फिर यह है कि जी मैं उठ गया हूँ और मुझे मस्ती सूझी है कि यार कुछ और भी हम ट्राई करें, और अब क्या ट्राई होता है तो वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम अपनी फ़्लाइट को देखें जी, क्या है हमारी फ़्लाइट। तो जी ये पता नहीं कहाँ कहाँ दी थी, अब थोड़ा सा हमने बोला ज़रा वाफे करें, नहीं छोड़ूंगा इसको, छोड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा है। जब दिख रही है दिल चाह रहा है बस इसको खाऊं मैं, तो मैं खाऊंगा, मैं आज नहीं रुकूंगा। पिछली दफ़ा जो मेरे साथ मरहबा में मेरे पार्टनर ने जो किया था ना मेरे साथ, एहसास और जज्बाती के उसकी एंट्री नहीं थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ें अकेले करूँ, बट आज जो है ना मैं यार लिटरली बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से। क्या समझ रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, मैं इसको हाथ में लिया हुआ, मैं इसको हाथ में लिया हुआ और मैं इसको खा के छोड़ूंगा। मुझे स्मॉल स्पून नहीं मिल रहा, एक्सक्यूज मी, वन स्मॉल स्पून, यस। ये भाई ने हमको पहले भी ला के दिया था, वो हमने चूँकि थोड़ा सा खा लिया था ना यार, हम पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी हैं कि एक चीज़ को बार बार रख रहे हैं, हम छोड़ देते हैं भाई, हमको नया चाहिए होता है। पाकिस्तानियों को क्या समझा हुआ यार आपने, वो मिसालें बहुत पुरानी होती थी कि पाकिस्तानी एक फ्रिज को बार बार ठीक करवाते हैं, अब यार अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जो है वो माशाल्लाह लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं खाऊँगा, खाता रहूँगा, खाता रहूँगा, और ये खाना ही है। गाइज मैं कैसा लग रहा हूँ, गाइज कहते हैं ना भाई, हाँ तो गाइज मैं कैसा लग रहा हूँ यार, मैं सही मानो अल्हम्दुलिल्लाह इन्जॉय कर रहा हूँ मरहबा लॉन्च को, और ऐसा ही होना चाहिए यार। हम जब ट्रैवल करते हैं तो क्या डर के ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल डर के नहीं करना चाहिए, ट्रैवल खुल के इन्जॉयमेंट करना चाहिए, और आप जो है वो हर तरीके से इन्जॉयमेंट करो और हर चीज़ों के मज़े लो, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं पढ़ते रहो, अल्लाह पाक साथ खैरियत से आपको लेके जाए, लेके आए यार। मरहबा लॉन्च आओ ना, यकीन मानो जो ट्राई करो, बहुत बहुत जायकेदार है। चार खा चुका हूँ, एक और लेके आऊँ, चलो भाई खाली। चार पाँच छः सात, अच्छा नज़र नहीं लगेगी मुझे, पता क्यों, अभी तो ब्लॉग चल रहा है, कहते हैं खाने पीने में ना नज़र लग जाती है, और भाई जब नज़र लगेगी ना अगर किसी की गलती से तब तक ये हज़म हो चुका होगा, डोंट वरी। देखिए इतना बड़ा ब्लॉग है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पाकिस्तान, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा ब्लॉग है और मैं पाकिस्तान पहुँचूँ और ये अपलोड हो जाए, तो इसमें तो टाइम लगेगा।
4:30। चलिए जी देखते हैं यहाँ अगर कुछ और नया है ना तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट ये है कि फिर थोड़ा सा हम चलते हैं यार, मरहबा लाउंज में फ्री का खाना बाज़ मरतबा बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा बहरहाल मैं लिटरली बताऊँ यार, ये जो आइसक्रीम है ना अगर इस बाउल में होती है हमेशा, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, बहुत आउट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आउट क्लास यार। मैं 7 खा चुका हूँ, आप कभी ट्राई करना। मतलब मैंने बहुत सारी आइसक्रीमें खाई हैं, ना बहुत ज़्यादा मीठी है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप की है, जस्ट बहुत अच्छी है। और अब हम अपने व्लॉग को आगे की तरफ लेके चलते हैं ताकि यह है कि हम और भी चीज़ें देख सकें और आप लोग ताकि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। तो ये तो आप देख ही चुके हैं, ये बार बना हुआ है मरहबा लाउंज का, मुसलमानों के लिए तो नहीं है खैर ये, बट ये है कि जो पीते हैं उनके लिए है यार। ये यार मैंने ये केक खाया था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पेस्ट्री है यार, नो डाउट यार सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक बात और बताऊँ, कुछ और खाने का दिल भी नहीं चाह रहा यार, यहाँ देखते हैं। नहीं नहीं ये तो बंद है ना यार, जब एक चीज़ बंद है तो हम कैसे जा सकते हैं। बट यार क्या खाऊं, दिल ही नहीं चाह रहा अब तो, दिल नहीं चाह रहा ना भाई। चलें जी यहाँ थोड़ा सा कुछ सुन माहौल है, देखते हैं बैठते हैं यहाँ क्या है। अच्छी अच्छी जगहें तो लोगों ने पहले ही घेर ली हैं यार। मेरी फ़्लाइट भी तो आनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ कराची है ना, यार नहीं कोची है, कराची नीचे आ रहा है ना, ठीक है ये मेरी है ही नहीं। और कहाँ आ रहा है कराची, हाँ यार एक जगह ये भी थी, हाँ ये कुछ आरामदेह है। चलो यार इधर थोड़ी देर बैठते हैं। तो जी इन्होंने बोला है कि 5 मिनट की ड्राइव पे है एमरेट्स का B9, तो जब तक हम थोड़ा सा वो देखते हैं जो कि हमको पसंद ही नहीं। यार देखें ये आप जो है ना, आप लोग व्लॉग देखते हैं तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये व्लॉग हमारा थोड़ा सा हिट होना चाहिए यार, थोड़ी मेहनत होती है और ये हम मतलब कोई पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहे, बट ये है कि मेरी पहुंच है तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी आए तो इन चीज़ों का अगर वो फ़ायदा उठा सकता है तो फ़ायदा उठाए, और मालूमात जो है वो सबको शेयर करना एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा अमल है ताकि हर कोई परेशानियों से बचे, चाहे वो लॉन्चेस की हों, चाहे वो एयरपोर्ट की हों, चाहे वो फ़्लाइट का हो, एक्स वाई जेड आपका। अभी देखें मेरे साथ जो मसला आया हुआ है ना वो ये है, हैंड कैरी 7 kg अलाउ है, बैग तो मैंने निकाल लिया, 30 किलो था, 38 किलो अल्लाह पाक ने करम किया वो निकल गया, वो आपने देख भी लिया होगा ब्लॉग में, बट अभी 7 kg है। 7 kg के बाद ये जो है ना अभी ये 9 kg है, फिर ये ख़ुद
साढ़े चार से पाँच किलो वेट है ये। दैन 2 किलो के करीब इसमें 1 किलो चॉकलेट हैं और कुछ छोटे मोटे आइटम्स हैं। तो 13-14 किलो वज़न मुझे किस होशियारी से या बस अल्लाह पाक करम करेंगे तो ये व्लॉग के अंदर पता लगेगा। और मैं जहाज़ में बैठने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का शुक्र अल्लाह का अदा करूँगा इंशाल्लाह। मसला वो नहीं है, आम आदमी हम भी हैं और आम आदमियों की तरीके से एयरपोर्ट पर दुनिया होती है। बट ये लॉन्चेस से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा सा आपकी फ़्लाइट में अगर टाइम है आप एयरपोर्ट जल्दी आते हैं, इसलिए कि कोई खुदा ना खास्ता बोर्डिंग में कोई लेट हो जाए, कोई मसला हो जाए तो आप वक्त पे पहुंच सकें। अब जब यहाँ पे आते हैं तो 2-3 दिन घटना बैठना ना यार ये अजियत है। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल करें, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ भाई। मैं कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं छोड़ता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, तो भाई ये अच्छा अमल है। बस इसके लिए थोड़ी सी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, थोड़े से कान खुले रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, देन आप उस डिसीज़न पे पहुंच जाते हैं। खैर ये व्लॉग है मेरा, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा किसी को, बट एक चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं, आप यकीन ना करें, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ATM कार्ड उनके बैंकों में पैसा भाई ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है। आज ही मेरी यहाँ दुबई में एक साहब हैं, उस्मान नाम है उनका, उनसे बात हो रही थी, बोला मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड हैं सब चीज़ें हैं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मैं जब भी जाता हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे एयरपोर्ट में आम आदमियों की तरह बैठता हूँ। तो मैंने उनको फिर बताया, मतलब भाई आप रात को मेरा व्लॉग देख लेना, आज रात को या कल इंशाल्लाह अपलोड होगा, आज 23 तारीख है, 24 तारीख को इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको अपलोड कर लूँ। एडिटिंग वगैरह कुछ होती है और सब चीज़ों को जोड़ना होता है, जाहिर सी बात है इतनी लंबी वीडियो तो आप नहीं बना सकते कि दुबई से आप कराची पहुँच जाओ, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है और ये सारे काम मैं खुद करता हूँ, तो जब ही थोड़ा सा, तो मैंने उनको बोला आप वो देखना इंशाल्लाह लजीज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ तो लोग इसका फ़ायदा उठाएँ यार, लोगों को नॉलेज होगी और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को पता होगा, बट ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हैं ये चीज़ें लेकिन वो अवेल ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है, वो को बहुत या तो ऐसा समझते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, यार बहुत आसान काम है। बस मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसकी एक ऐप है उसके अंदर जो है वो आपको मास्टर कार्ड, वर्ल्ड मास्टर कार्ड की एक ऐप है, तो बस उसके अंदर आपको जो है देन अपना वो कार्ड डालना होता है और आप यहाँ आएँ वो स्कैन करेंगे और आपको आपके बोर्डिंग कार्ड के ऊपर जो है वो स्टैम्प लगा के आप जाएँ, अब जो चाहें गाएँ। मैंने आपके सामने यार कोई चीज़ 1 रुपया नहीं ख़रीदा और मैं क्यों ख़रीदूँ जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक चीज़ है तो मैं हर चीज़ के मज़े लूँगा। और मैंने सुबह लाइटली नाश्ता किया था, किया तो सही था लेकिन बहुत सुबह किया था 6 बजे, तो अल्हम्दुलिल्लाह और अब खा रहा हूँ तो सुकून से अल्लाह का शुक्र है खाया गया है। और अब रात को घर पहुँचने के बाद, ऐसा तो नहीं है पहुँचते ही खाना खाएंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, अम्मी से मिलना है, सब पूरा एक वो होता है, उसके बाद जो है देन आप जो है फिर खाना वाना खाते हैं। तो भाई अब हम यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, ज़रा सा बस पानी पी लें हम, और पानी पी के जो है ये पानी है, पानी सुबह से नहीं पिया था बट अब पानी पी के और हम निकलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए इंशाल्लाह। तो व्लॉग माशाल्लाह अच्छा चल रहा है और आप लोगों को अभी आगे और भी बहुत कुछ देखना है, अभी तो दुबई से जहाज़ भी नहीं हो रहा है, तो बोर अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सा आगे कर लें, वरना तो यार देखें हम इसमें सारी चीज़ें डालते हुए ही आप लोगों को आगे लेके चल रहे हैं। तो चलें अब हम निकलते हैं मरवा लॉन से आगे और हम अपने B9 है हमारा टर्मिनल, हम वहाँ पर जाएंगे। यार मैं इनको सब कुछ छोड़ते हुए जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने पेट भर के खाया और बहुत अच्छे से खाया और मरहबा लॉन्च को अच्छे से इंजॉय किया। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ आगे। मरहबा का रिसेप्शन है और ये हम इंतज़ार करेंगे लिफ्ट का, कौन सी आती है लिफ्ट, तो ये दबा दिया लिफ्ट का बटन और ये बैठी हुई हमारे इंतज़ार में।
तो भाई मरहबा लॉन को किया हमने अलविदा। जाएंगे B9 के लिए और B9 देखते हैं कहाँ है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है हर दफ़ा। आपको आपका सेम वैसे ही नहीं मिलता कि जहाँ से आप पिछली बार गए हों वहीं पे आपको दोबारा मिले घर। तो हम आ गए हैं बाहर, तो अब हमें ये देखना है कि B9 है किधर। स्टारबक्स का तो मुझे पता था कि भाई ये जो है उससे आगे ही मरहबा लॉन है, इसलिए कि यहाँ हम पहले भी आए हुए हैं।